है गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलमी पैड एक्स को कंपेयर करने वाला हूँ ओप्पो पैड एयर के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों पैड्स में आपको जो क्या क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस मिलते हैं, और अगर आप इन दोनों टैबलेट्स में कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, तो इस वीडियो के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे Realme Pad X से। तो इसमें आपको 5G सपोर्ट मिलता है, Oppo Pad Air में आपको 4G सपोर्ट, Realme Pad X में आपको 10.95 इंच का WUXGA प्लस डिस्प्ले मिलता है, एंड Oppo Pad Air में आपको 10.36 इंच का 2K IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही में आपको थिन बेजल्स मिल जाते हैं। Realme Pad X में आपको 84.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, Oppo Pad Air में 83.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। Realme Pad X में आपको अल्ट्रा विजन इंजन मिलता है, जो Oppo Pad Air में आपको जो है वो मेंशन नहीं है। Realme Pad X में आपको DC डिमिंग मिलता है, जो Oppo Pad Air में मेंशन नहीं है। Realme Pad X में जो प्रोसेसर दिया गया है वो आपको स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट दिया गया है, जो 4G के साथ नहीं 5G के साथ आती है, और Oppo Pad Air में आपको स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट मिलता है, जो 4G सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ पे आपको Realme Pad X में आपको 6GB रैम एंड 128GB रोम आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड Oppo Pad Air में आपको 4GB रैम एंड 128GB रोम का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको Realme Pad X में आपको 5GB जो है वो वर्चुअल रैम मिलता है, एंड Oppo Pad Air में आपको 3GB वर्चुअल रैम मिलता है। Realme Pad X में आपको 13MP का रियर कैमरा मिलता है, एंड Oppo Pad Air में आपको 8MP का जो है आपको रियर कैमरा मिलता है। Realme Pad X में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, और Oppo Pad Air में आपको जो है वो 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। Realme Pad X में आपको लाइमलाइट जो है वो फंक्शन मिलता है, जो Oppo Pad Air में नहीं दिया गया है, एंड Realme Pad X में आपको 8340mAh का बैटरी मिलता है, और Oppo Pad Air में आपको 7100mAh का बैटरी मिल जाएगा। Realme Pad X में आपको 33W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, एंड Oppo Pad Air में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। Realme Pad X में आपको Realme UI 3.0 का सपोर्ट मिलता है, एंड Oppo Pad Air में आपको कलर OS 12 का, दोनों ही टैब्स में जो है आपको क्वाड कोर स्पीकर मिलते हैं Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ, और दोनों ही में आपको USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। Realme Pad X जो है इसमें आपको 4GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 19,999 रुपीज़, एंड Oppo Pad Air का प्राइस है 4GB रैम एंड 64GB का 16,999 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों टैब्स को कंपेयर करने के बाद Realme Tab X जो है वो विनर है इन कंपेयर टू Oppo Pad Air, क्योंकि इसमें आपको जो 5G प्रोसेसर मिल जाता है। तो 5G प्रोसेसर होने के बाद फायदा ये होता है कि आप 5G को जो है यूज़ कर पाएंगे इसमें, प्लस इसमें आपको एक अच्छा क्वालिटी का जो आपको डिस्प्ले मिलता है, DC डिमिंग प्लस जो है वो एक्स्ट्रा जो है आपको अल्ट्रा विजन इंजन वगैरह का जो आपको सपोर्ट मिल जाता है Realme Pad X में, और तो इसमें आपको लाइमलाइट इंजन जो है वो आपको फंक्शन मिल जाता है। लाइमलाइट फंक्शन में होता ये है कि अगर आप वीडियो कॉल पे हो या आप जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो और मीटिंग वगैरह में, और आप थोड़ा बहुत साइड वगैरह होते हैं, बात कर रहे हो चलते चलते, तो आपको जो है वो फंक्शन ऐसा आया है इसमें जिससे आपको जो है आपको वीडियो के पूरे सेंटर में रखेगा हमेशा इस फंक्शन के थ्रू, जो लाइमलाइट फंक्शन है इसके थ्रू। तो ये फंक्शन आपको जो Realme Pad X में मिलता है, ना कि Oppo Pad Air में। और गाइज, यहाँ पे आपको एक 5G का जो है आपको बेनिफिट मिल जाता है, प्लस इसमें आपको एक बड़ा बैटरी का साइज मिलता है 8340mAh का, तो बैकअप भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है। तो बहुत कुछ देखा जाए तो Oppo Pad Air से जो है आपको बेहतरीन मिलेगा Realme Pad X में। थोड़ा बहुत जो प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3000 रुपीज़ का प्राइस जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, बट इस 3000 रुपीज़ में आपको एक 5G के साथ साथ बहुत कुछ जो है आपको एक्स्ट्रा हार्डवेयर्स एंड सपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा Realme Pad X में। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।